मेरे रिश्तेदार इनमें रुक जाएंगे और यहाँ मंडप वंडप लग जाएगा। गुड मॉर्निंग है भाइयों को, बहुत बहुत अभी बज रहे हैं सुबह के 11 है और अभी उठे हुए मैं और दिनेश। अभी फिलहाल खड़े हुए हरिद्वार में, खड़े तो क्या जा रहे भाई यार, यहाँ थोड़ा अलग सही सिस्टम है। हमने रात के 3 बजे रूम लिया था, 1000 रुपये में बहुत अच्छा रूम मिल गया। मैं रूम देखा नहीं भूल गया आपको, क्योंकि भाई इसने लग मचा दी जल्दी, तो 10:30 बजे आँख खुली, ये कह रहा भाई 11 बजे चेकआउट है, माने स्ट्रिक्टली तो कर देना। तो फिर भाई ऐसे ही उठ के आ गए, और फिर हमारा नहाने का प्लान भी नहीं था भाई, क्योंकि नहाना नहीं था हमको, हमको भैया गंगा जी में नहाना यार, यहाँ के भी अब होटलों में नहाए तो क्या मजा आता है यार। वैसे पार्किंग की जगह तो काफ़ी गुड है यार, यहाँ भीड़ भी ना है, जस्ट बिल्कुल थोड़े पीछे है, इसमें रुका था भाई मैं, देख लेंगे फिर अब तो ऋषिकेश जाएंगे, आज तो हमारा प्लान ये है भाई। दिनेश कह रहा चल भाई ये तगड़ी चाय पिवा के लाऊं, अब ये मैं सोच रहा दिनेश यहाँ रह रहा है पहले यार चाय बनाई है, थकावट लेने की आए कर जब बता रहा हूँ। एक्चुअली भाई मैं तो उठूँ 10:30-11 बजे, जय हो जय हो जय अरुण महादेव। हम भाई ये उड़ जावे गांव में 6-6 बजे, 5 बजे, 6:30 बजे भगवा दे नींद ना आवे, तो मत कह रहा उठ जा चल चल चल, मैंने कहते भैया सोन दम ऐसी बात, 3 बजे आए मैं उठूँ घर पर 10:10-11 बजे। और भाई मैं तो अपने टाइम से उठा, तो ये पूरा डोल जाया पर चक्कर वक्कर सब लगाया है, कहाँ पे घाट है, कहाँ पे नहाना है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि इसके लिए तो एक पूरा वो हो गया ना, मेरे लिए तो दिन की अब स्टार्टिंग है, इस भाई के लिए तो आधा दिन तो कम्प्लीट भी हो गया इस तरीके से। तो भाई चाय पियो आप, नॉट दिनेश ने स्पेशल चाय बनवाई है, मान लिए देखो भैया आंटी जी को पैसे देके हम पहुंच लिए हैं यहाँ पे घाट पे, पहले चेक करने कि भैया कहाँ नहाना है। भाई हर की पौड़ी पे तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़, और वहाँ नहाने की कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं, मतलब मजा सा नहीं आता, लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं नंगे पुंगों को, डेट्स नॉट गुड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें, वो लग रहा है बाथरूम से ओनर है, लेडीज आदमी को सब वो बना रखा है, अब तो सब जी का अच्छा यहाँ ना लगा रखा। पर ये देखो भाई ये कितना बढ़िया, मतलब यहाँ पे नहाने में कितना स्वाद आएगा, यहाँ भोलेनाथ जी भी है, ये है कोई अमरापुर घाट करके कोई तो है, मैं कर देने अमरपुर है, अमरापुर अमरपुर, तो यहाँ ना छत पर पानी को भी लगा रखो, फुवारो पर चला ना रखो, अभी ये इस छत पे लग रहा है। घंटी का है गो, बताओ जी लत्ता लिया में वहाँ थे, और फिर ये अपने फिर नहाएंगे अपने वहाँ थे लत्ता ला के। हाँ जी 500 रुपये खुले दे देंगे आंटी, ऐसी किसी बात जब अपने पास है तो दे देंगे। दिनेश हमारा भुक्के रसोस जो के नोट लाए आपको, गंगा जी ना, गंगा जी नहाने के ही है ना, जल ले लेंगे बात यार, मैं अच्छे वाले वहीं नहाते यार, मुझे सरप्राइज दे दिए भाई, मेरे पास तो अंडरवियर वगैरह ही ना है यार, कच्चा बच्चे लेकर आई कलाकार, बताओ इतना प्रो आदमी ट्रिप का घूमने का, तो भैया पहले मार्केट ढूंढिए, वो पता करिए इधर उधर भाइयों से, उनने कही भैया आ गए जाओ पुलिस वाले, यहाँ पे भी ऐसी बड़ी जल्दी रोक रहे हैं, रुको 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 चालान कटेगा आपका। साथ में भाई दाढ़ी देखो कितनी बढ़ रही है, इसको सेट कराने को भाई अपने थैला वैला लेके पहुंच चुके हैं घाट पे स्नान भाई, भैया फुल मजा आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल। अब इसी आंटी से भाई हमने वो ले ली कट्टी वो गंगा जल ले जाने के लिए, अब यहाँ से दिनेश बनने गया, ये बनने लग रहा दोनों कट्टियों को, मैं कहा तो गाड़ी में रख लेंगे गंगा जल, अपना घर बढ़िया रहता है भैया ले जाएंगे, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे ऐसा गया भाई, उतरने का रास्ता ही ना है और तो कहीं, तो मैं कह रहा बाद में यार वहाँ ऋषिकेश जाके चक्कर लगे ना लगे वापसी यहाँ में कहीं और का रूट बन जाए हमारा, एक सेफर साइड के लिए बढ़िया है, क्योंकि हम अकेला आए थे जब स्कॉर्पियो लेके आए थे ना तब भूल गए थे भाई, और इतना रिग्रेट हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इस बार ऐसा फालतू रिस्क लेना ही नहीं है, गंगा जल पहले भर लो भैया। हर हर महादेव।
अब हम जा रहे हैं भाई ऋषिकेश, नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो यहाँ से हरिद्वार से 30 किलोमीटर की दूरी है। यू है भैया आपको ऋषिकेश, जब पता चल जाए ना कि भीड़ सी आ गई घनी बच्चे बच्चे से रोड, समझ लियो आप ऋषिकेश में मेन में आ चुके हो। अब बात ऐसी है, हमारे एक भैया खुद के पर्सनल भैया का रिजॉर्ट है यहाँ पे, उसमें रुकेंगे आज हम। आज देखते हैं, पहली बार जा रहा हूँ, उनने भी नया ही बनाया है भाई, जाके देखते हैं। यहाँ से ऋषिकेश 16 किलोमीटर शिवपुरी के पास है, मजा आ जाएगा। पहले ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे भाई, मतलब मैंने तो कर रखा है, पहले तो बहुत घटिया रहा था हमारा। एक जगह ऐसे रिजॉर्टों में गए थे जब स्कॉर्पियन लेके, वो तो खैर गाड़ी ऐसी थी थोड़ी छजनी रही थी, वहां पे ठुक बुक गई थी वो रिजॉर्ट के चक्कर में, उतनी आइसोलेटेड जगह था। हमारे वहीं होटल के पास बुलवाना काम है, वहां के भैया ने खोल रहा, को बताओ इतनी दूर बिजनेस भाई करने वाले का कोई कमी ना है कहीं काम की, रियलिटी में बात है। यू कह रहा हूँ इतनी दूर कैसे खोलो उनने, मैं कह रहा भैया बढ़िया काम धंधो, पब्लिक आकर रुके हैं, गर्मी में मौज रहे, जैसे शिमला मनाली में रहे जाड़ेन में, गर्मी में पब्लिक यहाँ वे राफ्टिंग वाफ्टिंग करने के। चलो चलते चलते भूख लगी आई भाई, एक बज गो तो इस पे खा लेते अपना खाना। ये देखना क्या लग रही है यार, आप कर गए गाड़ी का तो एकदम चमकनी चाहिए। मैं अभी खड़ा खड़ा एक ऑकवर्ड सी चीज़ दिखी भाई, ये देखना ये क्या चाप है भाई, बेबी डॉल चाप सभी, मतलब कुछ भी लिख दो। यार ऋषिकेश में पहला एक रहे, यहाँ पर ही बार आप फुल रहे हो, और अब तो कुछ भी ना है कतई मिल ले यार, पानी पता ना कहाँ गए हो, और ना कोई रिवर राफ्टिंग हो रही, आगे पता चलेगा वो हैरी है करेगा, जब परेते आएंगे ना पलट जावे मर जाएंगे। तो ये खाने का थोड़ा ये बनवा लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, अच्छे से पचा देगा पेट सफा, ठंडा ठंडा चिल्ड ये बोलते हैं है? अरे अच्छा थोड़ा पीते हैं, अब चलते हो, पर पता चलेगा गर्मी है क्या है, है? फेंक देंगे भैया, पर ये मैं तो समझू ये तो रिस्क लेनो है, ये वाली चीजें करना तो नीचे है। अच्छा बंगी जंपिंग कुछ रहे उसी भी है तो वही बैठने वाली साइड में एक यहाँ तो ऐसा डाइनिंग को कि ऊपर जाके खाना खाओ, पता नहीं लोगों को कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऊपर बैठने के सिस्टम सब भैया रिस्क की सौदा है। सॉरी तो ये भाई हमारे रिजोर्ट की रास्ता, ये आइसोलेटेड जगह पे ही होते है ना, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर तभी मजा सो आवे पीसफुल लाइफ। और आप बताओ हम आपको क्या ये नज़ारा कहीं याद आ रहा है, आ रहा है भाई, जो भाई घनी मंदिर टाइम से जुड़ रहे होंगे ना उनको पता होगा, हम यहाँ एक हल्ला आए किया सेल्टोस थे, जो हमारे ध्रुव भाई हैं डॉक्टर साहब उनके साथ आए थे भाई, उनकी किया सेल्टोस में उन्होंने नई नई डीजल ऑटोमेटिक ली थी, मैं संदीप और चार जने हम और एक घोटिया भी हो, यहाँ सेम जगह पर हमने फोटो वोटो खिंचवाए। और ये भाई गंगा जय जय हर घर गंगे माता की जय हो, ये हो रही है यहाँ पे राफ्टिंग, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मैंने सोचा भाइयों को लिटिल लिटिल दिखा देता हूँ। भाई ये क्या है नीचे सौदा, किसी भाई को पता हो तो बताना भाई, बताओ ना क्रेशरन के ढेर से लग रहे हैं, और आगे कैंप ही कैंप है भाई। हम पहुँच गए, हमने गाड़ी पार्क कर दी, और ये भाई है हमारे, भाई साहब सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? बढ़िया भाई, क्या नाम भाई का? मनीष भाई। अच्छा मनीष साहब यो, ये भाई का ब्लू नेचर कैंपिंग रिजोर्ट, ये तो गांव है भाई, कोई बादल बादल बड़ल, बड़ल गांव। अच्छा बडल भाई, काफी गुड़ है यार, वाइब्स तो यहाँ पे बढ़िया आ जाती होंगी रात में देखेंगे मजा मौसम। ये देखो भाई नज़ारा, ये तो रात में तो बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा भाई, लाइट वाइट लगा के तो भाई यहाँ पे हंडी वंडी लगी हुई थी, वो हटवा दी। हल्दी हंडी अंडे नहीं होते? अच्छा वो हटवा दिए, वो बंदर उस पे बार बार चढ़ना। यार यहाँ तो कोई ब्याह शादी भी कर सके? हाँ भाई शादी कराई है यहाँ पे कई बार। अच्छा जी, हिमाचलीन की है बाहर की भी? नहीं मैंने हमने बाहर की कराई, मेरे साइड वाली। मेरी करवा दोगे भाई? मेरे रिश्तेदार इनमें रुक जाएंगे, और यहाँ मंडप वंडप लग जाएगा, क्या ख्याल है भाई?
डन है यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे बूफे टाइप लग जाएगा। हाँ यार वही तो, बहुत प्यारा सिस्टम लगा मेरे को तो। ये अपनी भाई की प्रॉपर्टी किस दिन काम आएगी भाई। ऐसा करो स्विमिंग पूल भरवा दो, डुबकी मारने का मन कर रहा हूँ। कसम तो स्वास्थ्य आ जाना चाहिए यार, मोटो काम लग रहा हूँ कैंपिंग को भाई। देखना नए नए बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं यार। वो कौन सी पिक्चर है उसकी तरह ना हो जाएगा ये वाला काम, इसका टूट के गिर जाए एंड में उलटक जाए झूल जाए तो। ये मतलब कैसे, अच्छा ये भी ऐसे ही बन रखे हैं पहाड़ों पे, ऐसे स्टेबल करने के लिए भैया। जो सारा स्ट्रक्चर पे बनता है यहाँ पे, मेहनत का काम तो है। हाँ ना अपना भाई, देखो कैरम वैरम भी खेलो, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है ना। हाँ भाई अभी ऑफ। और भाई मेरे को बता रहे हैं भैया, ऑन सीजन में ना फुर्सत ना मिले, एक भी कैंप खाली ना जावे भाई। हाँ भाई हमारे लिए सोने के लिए जगह भी नहीं होती। अच्छा जी। हाँ जी भाई, हरियाणा आते होटल से निकल के यहाँ आइडिया कैसे आ गो भाई? भाई हम पहले हर वीक आते थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो जैसे देखा धीरे धीरे कि क्या पता आप नहीं कर ले, फिर ढूंढा फिर मिल गया भाई। सही बात है भाई, अब हर हफ्ते भाई क्या था ऋषि केस में ऐसा पीस। गंगा मैया से भाई प्यार था, गंगा मैया में नहाने आते थे हम। हाँ। तो फिर कैंपिंग भी करते थे, कैंपिंग करते करते फिर कैंपिंग ले लिया यार। ये देखो भाई, पैशन को आदमी वो बना देता है ना अपना धंधा, सबसे बेस्ट तो वो होता है। और मजा भी आ रहा होगा भाई मेरे ख्याल। कितना साल हो गए अभी करे? 4 महीने हो गए भाई, अभी 4 महीने ही हुआ है। चलो भैया बेस्ट विशेस है भाई को। बाकी दिखाता हूँ मैं रूम वगैरह, दिखाता हूँ भाइयों को जरा। ये वाला रिजॉर्ट है भैया अपना, और रूम क्या टेंट बोलते हैं भाई इससे, कैंप। ये देखो भाई, ठीक हो जी? ठीक तो है पर गर्मी लगे, पंखा कुछ नहीं है ऐसे ही। कूलर है? हाँ जी। अच्छा एसी वेसी ना रहेगा इनमें भाई? लीज पे रहे ये वाली प्रॉपर्टीज ना आपकी। ये देखो पानी पत्ता सब। और बाथरूम कहाँ रहे भाई? यार अलग एक्सपीरियंस कुछ लेना है तो यू कैन ट्राई दिस भाई, वेरी नाइस। इसमें वॉशरूम ये ऐसा वॉशरूम रहता है, ऑल्सो गुड। क्या चला रहे हो? कूलर की कहाँ इतना हुआ भाई, कूलर लायक इसमें तो ऐसा तो भी कोई भी आ जाएगा यहाँ तक, मजा आ जाएगा। क्या ही मारे तो रहे भाई ये, नहीं होटल होटल में तो दुनिया में कहीं रुक जाओ पर ये वाला मजा। अरे ना जरूरत ना भाई, कूलर की बीमार है जाएंगे। अरे ना भाई शाम से लगा दी। अच्छा चलो भाई इधर और दिखा के लाऊं भैया ने थोड़ा सा। यहाँ पे आराम से नहाओ, ये सारे अपने हैं किसी में डूब जाओ। आनंद जिंदगी का आनंद, कितना आनंद, पीस जिससे कहते हैं। अब भाई हमारे लिए आ रही है अब कोल्ड ड्रिंक। ये देखो देखो जा, काले रंग की पेप्सी। यार पीस को थोड़ा बर्बाद कर रहा है ये चला रखा है इसने, बट इसका काम रुक जाएगा, रात को चिल एंड फन हो जाएगा भाई कंप्लीट। तो भाई यहीं रहते हो क्या ऑल टाइम? नहीं भाई आता जाता रहता हूँ मैं तो। अच्छा वहाँ ओडल ओडल ऐसा ये एक वीक हर वीक? नहीं हर वीक नहीं, आप 10-15 दिन हम 10-15 दिन में 10-15 दिन में घर वालों की याद ना आवे या ये नेचर से प्यार हो गया? नहीं नेचर से प्यार हो गया, गंगा मैया से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो रोज वही जाते हो नहाने फिर? हाँ जी। चलो वेरी गुड भाई, वेरी नाइस। और भाई रेस्ट मारते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई अब पियेंगे कोल्ड ड्रिंक और खाना जाएगा नीचे का, मजा आएगा। कूलर चल गो भैया, स्वाद आगो कसम से। और भाई जैसे केक आई भाई लग रही हो वीडियो, पेड प्रमोशन वगैरह? नो भाई आपका भाई ऐसे काम नहीं करता इस चैनल पे, तो मैंने कभी प्रमोशन किया ही नहीं आज तक जिंदगी में, नेवर, एक पैसे का भी किसी से प्रमोशन आज तक नहीं किया एंट्री वाले पे। हाँ उस पे तो कर लेता हूँ, मेन चैनल पे तो पैसा वैसा भी तो जरूरी है, टंकी कैसे निकालूंगा। ये तो इन भाइयों का प्यार मिल जाता है स्टे वगैरह का तो, खाने वगैरह का तो, बट वैसे कैसे तो भाई भाईचारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेस्ट सर्विस ऑनेस्ट जो है बताता हूँ आपको, बढ़िया यार। और किसी को देते हम जब भी रिजॉर्ट में रुकते, मेरे को इंस्टेंटली याद आई कि ऐसे ऐसे एक रवि ने स्टेटस लगाया था हमारे मामा के ने कि ऐसे ऐसे एक रिजॉर्ट वगैरह खोला है भाइयों ने जरूरत हो, तो मेरे एकदम हिट करा तो मैंने एकदम फ़ोन करा। और देखो भाई विधि का विधान कितना भयंकर है यार, घर से कोई प्लान नहीं था कुछ नहीं था और यहाँ आके कितना मजा आ गया यार। हम रोटी खा के आए भाई, तना चोरा क्या करवा तो रहेगा, खा लेंगे कोई बात ना, सर्दी के है शेर तो ना आ जाएंगे, शेर कैसे आ जाएंगे? हाथी है तो खुद का आ जा, लत्ता फाड़ के क्या कर रहे हैं तू, खुद ही शेर है और इसमें हाथी तो ना आएंगे, कुछ भी ना आएगा ना जंगलों को पहाड़ में। भाई अब होगी शाम और मैंने पूछी इंडरी में तो बारिश हो रही है गांव में, तो बहुत तेज आंधी तूफान, यहाँ भी बादल से उखड़ी आए हैं या फिर मौसम ऐसा 5:52 हो रहे हैं, हो भी सकता है भैया जो यहाँ ठंडे में तो जैकेट मंगवा ली दिनेश से कह के,
अब भीड़ बड़ा लग जाए शाम के टाइम भैया, अभी यहाँ इतने लोग है भाई बहुत ज़्यादा, एकदम आने लग जाए शाम की भीड़ बने हैं। अलग अलग रिजोर्टों में अलग अलग मस्ती चल रही है अपने अपने हिसाब से। यार देखो कैमरा हर हो गया यार, फोकस ही ना करे कहीं अल्लाह, तो कर इतने रुपये कोई फूक है। ये देखो अगर वो हो ना 15 प्रो मैक्स या फिर वो क्या बोलते हैं सैमसंग का, इनकी शक्ल भी दिख जाए क्या मस्ती कर रहे वो भी दिख जाए। बट भाई नज़ारा है यार, फील है फील, शौक देखो इसके भाई दिस इज सो बैड फॉर हेल्थ, ये सब आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बाकी नज़ारा देखो भाई, सब जलने स्टार्ट हो गया, अभी अपने कैंप का भी जल गया है, अभी रात का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बाकी भाई एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ बुकिंग के लिए। बुकिंग के लिए आपको 9897566827। भाई जरूर भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, ब्लू नेचर के नाम से ना भैया? जी ब्लू नेचर के नाम से, ये आपका पड़ेगा ऋषिकेश से 10 किलोमीटर आगे शिवपुरी में बडल में। भाई तगड़ा है, मतलब जो जो डिमांड करोगे इसके जैसे बेवड़े जैसे आ जाते हैं, ये अपना फोन पे ऐसा कवर लेके इनकी भी पूरी सेवा हर तरीके आते हैं। ठीक है जी, चलो अभी थोड़ा सा यहाँ पे वाईफाई से काम निपटा के चलते हैं। ये कुत्ता है ओडल को, ये का देसी अपनो यही का ही है, यही का ही है। तो यू वाल दूसरे तो भगा रहो आगे, नीचे का है ना वो वाला। चलो भैया देखो अभी तो रात होने दो, जब स्वाद आएगा जब डीजे पीजे बजेगा ना तब देखते हैं मार्केट। और भाई बता रहे सैटरडे संडे तो भैया बहुत ही भीड़ रहा है, कैंप भी घनी ही है तो ऐसे ना है। और देखो जब हम आए कितनी गाड़ी खड़ी, 5-5 गाड़ी तो हफ्ते पहले लग गई हैं। करूँगा शाम के क्राउड बढ़ते जावे। भाई अब देखो जशन, आप कितना बेहतरीन व्यू लग रहा है भाई, देखो कितना ब्यूटीफुल पूरा, अगर ऊपर से नीचे तक दिखाऊं देखियो, बोन फायर बढ़िया भाई, डीजे फीजे ऑन करके सिस्टम ही है।